नमस्कार, मैं अप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सूबे में आज से होगी दाल की सरकारी खरीद। आने वाले दो दिनों में है आंधी बारिश के आसार। मुंबई से बिहार के लिए चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। राज्य के सरकारी शिक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी। देश में हुआ कोरोना विस्फोट। तो चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट में फिलहाल नहीं होगी फिजिकल सुनवाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में फिजिकल रूप से सुनवाई करने की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया है। इसके तहत अब हाईकोर्ट में 30 अप्रैल तक वर्चुअल माध्यम से ही कोर्ट की सुनवाई चलेगी। इसके तहत एक नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह नया आदेश है। इससे पहले के आदेश के तहत 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक की वर्चुअल सुनवाई करने की बात कही गई थी, मगर वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। इस दौरान पटना हाईकोर्ट के परिसर में किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले वर्चुअल कोर्ट का विरोध कुछ वकीलों ने किया था, मगर चीफ जस्टिस के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कोर्ट में फिजिकल सुनवाई अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी। राज्य के शिक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार में कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान आदेश के तहत फिलहाल बंद चल रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल के शिक्षक हर दिन संस्थानों में खाली समय बिताकर लौट जाते हैं। ऐसे में इन सरकारी शिक्षकों को सरकार ने नया फरमान सौंपा है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए चलने वाली योजनाओं में खर्च की गई राशि का ब्यौरा जुटाने को कहा है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देश दे दिया गया है। शिक्षकों से इस अवधि में सभी प्रकार की योजना की लंबित उपयोगिता और सार विपत्र के समायोजन के प्राथमिकता पूर्ण करना सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके लिए शिक्षकों को डेडलाइन भी दे दिया गया है। भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा प्रमंडल के जिलों को 26 अप्रैल तक, वहीं कोशी, मगध और पटना को 27 अप्रैल तक और सारण, तिरहुत और मुंगेर प्रमंडल को 28 तक सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जिला और अनुमंडल अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने का आदेश हुआ जारी। बिहार में कोरोना संकट को बढ़ता हुआ देख सरकार ने सभी जिला और अनुमंडलीय अस्पताल आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला किया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने जिला और अनुमंडल में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इन अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी और जिला सिविल सर्जनों को जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में ऐसे वार्ड बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अस्पताल में आवश्यकता के अनुसार 10 से 30 बेड चिन्हित किए जाएंगे। इन अस्पतालों में कोरोना के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन सहित अन्य सुविधाएं इलाज के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में 14 निजी अस्पतालों को कोविड केयर अस्पताल के रूप में किया गया चिन्हित। बिहार में एक तरफ कोरोना के मामले डराने लगे हैं, वहीं नए मरीजों की संख्या भी 5000 के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में भी इलाज के लिए बेड की कमी बढ़ाए जाने को लेकर के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। इलाज के लिए बेड की कमी बढ़ जाने के कारण लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं अब इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने बेड और अस्पताल की कमी को लेकर फैसला जारी किया है, जिसके तहत राजधानी पटना में 14 अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड केयर अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें 199 बेड है, जिसके बाद अब 47 प्राइवेट अस्पताल में कुल 985 बेड हो जाएंगे। वहीं बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से बिहटा अस्पताल में 50 डॉक्टर उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा सके। मुंबई से बिहार के लिए चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। महाराष्ट्र और मुंबई में लॉकडाउन के कारण बिहार लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और अन्य यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें दानापुर के अलावा बिहार के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। इन ट्रेनों में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन से रात 12:30 पर दानापुर के लिए 17, 21, 24 और 28 अप्रैल को स्पेशल ट्रेन खुलेगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 5:55 पर दानापुर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन सोलापुर गुवाहाटी के बीच चलेगी। यह ट्रेन बक्सर, पाटलिपुत्र, बरौनी और कटिहार स्टेशनों पर रुकते हुए गुवाहाटी जाएगी। ट्रेन 19 और 26 अप्रैल को खुलेगी। वहीं पुणे और भागलपुर के बीच 16 और 20 अप्रैल को चलने वाली ट्रेन पुणे से सुबह 6 बजे खुलेगी और पटना बाढ़ की उल रुकते हुए भागलपुर तक आएगी। पुणे से दानापुर के बीच भी 16 और 20 अप्रैल को ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन रात के 9:30 खुलेगी। इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस, बरौनी के बीच में 2 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आने वाले दो दिनों में आंधी बारिश के होंगे आसार। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत न्यूमेरिकल मॉडल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगले 48 घंटे के बाद बारिश होने की स्थिति बन रही है। राज्य के उत्तर पूर्व विभाग में सतह पर पूर्वी हवा स्थापित हो गई है, जिससे नमी के क्रमिक वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से राज्य के पूर्वी भाग में एक या दो स्थान पर आज, कल और 17 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ वर्षा एवं मेघ गर्जन की संभावना है। इसके साथ ही सूबे के शेष भागों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि राज्य में आने वाले अगले 24 घंटे में तापमान अभी इसी तरह स्थिर बना रहेगा, जिसके बाद आने वाले दिनों में आंशिक गिरावट हो सकती है। राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं। सूबे में कई सरकारी विभागों में कार्यरत आय से अधिक संपत्ति रखने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि निगरानी विभाग की पैनी नजर अब इन अधिकारियों पर 24 घंटे बनी रहने वाली है। बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर नकेल कसने और आम लोगों द्वारा इसकी सूचना सुगम तरीके से निगरानी ब्यूरो तक पहुंचाने के लिए विभाग ने 24 घंटा काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 0612221534 और मोबाइल नंबर
9765953526 है। इसके साथ ही विभाग ने एक खास एंटी करप्शन सेल का गठन भी किया है, जिसके तहत अब ऐसे अधिकारियों पर 24 घंटे नजर बनी रहेगी। सूबे में आज से होगी दालों की सरकारी खरीद। बिहार में पहली बार दाल की सरकारी खरीद आज से शुरू हो चुकी है। इसके तहत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों की सुविधा को देखते हुए अनुमंडल स्तर पर खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके पहले तक जिला स्तर तक ही खरीद केंद्र बनाने की व्यवस्था थी। इसके साथ ही किसानों का निबंधन भी आज से शुरू हो गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने बताया है कि इस बार लगभग 5 लाख क्विंटल दाल की सरकारी खरीद होगी। इसके लिए किसानों को नेफेड की साइट ई समृद्धि पर निबंधन करना होगा। किसान आज गुरुवार को ही निबंधन कर अपनी दाल बेच सकते हैं। आपको बता दें कि दाल की खरीदारी राज्य खाद्य निगम 15 मई तक करेगा। मंत्री ने बताया है कि चना और मसूर दाल की खरीद की व्यवस्था की गई है, जिसमें दोनों दालों का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। नेपाल को बिजली आपूर्ति के लिए बनेंगे 2 नए ट्रांसमिशन लाइन। नेपाल द्वारा बिहार सरकार के लिए अनुरोध के बाद अब बिहार से नेपाल को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो पाए, इसके लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाए जाएंगे। इसके तहत सरकार की पहल पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 132 केवी क्षमता के 2 नए विद्युत संरचन लाइनों के निर्माण की तैयारी करने जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके निर्माण पर 27.74 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहली ट्रांसमिशन लाइन कटैया कुसा के बीच होगी, जिस पर 3.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि दूसरी लाइन रक्सौल और परवानीपुर के बीच होगी, इस पर 24.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बताते चले कि वर्तमान में बिहार से नेपाल को 441 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती है। तेजस्वी ने कहा, चोर दरवाजे से आई है नीतीश सरकार। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं आए दिन अस्पतालों में बेड की कमी और वैक्सीन की किल्लत होने जैसी खबरें भी सरकार की चिंता बढ़ाने वाली साबित हो रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों को भी इस दौरान सरकार पर वार करने का मौका मिल गया है। इसी के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जिसके तहत बीते दिन एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा है कि बिहार ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार से अभिशप्त है, जिसे अपनी जिम्मेदारियों की समझ ही नहीं है। कोरोना काल में के शुरुआती दौर में ही मैंने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, सुविधाओं को सुदृढ़ करने और नए अस्पताल बनाने का सुझाव दिया। मैंने कहा था कि कोरोना की लड़ाई मैराथन है, पुख्ता तैयारी करनी होगी, लेकिन चोर दरवाजे से मनोनीत होने वाली सरकार कहां जनहित में सकारात्मक सुझाव मानेगी। कैमूर में लगी जंगल की आग से बचकर लौटा मंत्री और उनका काफिला। बीते दिन कैमूर जिले के जंगल में लगी आग की चपेट में बहुत मुश्किल से बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान सहित उनका काफिला बच पाया है। यह वाक्य तब का है जब वो हथौरा में एक श्राद्ध कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भाग लेने जा रहे थे। घटना की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया है कि वो चैनपुर से हथौरा आ रहे थे, जिसके बाद बिस्वा जंगल के पास आग की लपटें दिखाई पड़ी। मंत्री ने सोचा कि आग सड़क पर नहीं पहुंच सकती है, इसलिए निकल जाएंगे, लेकिन तेज हवा के कारण आग की लपटें सड़क तक पहुंच गई और रोड के दोनों ओर जंगल में धधक रही आग के घेरे में आ गए, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद चालकों की समझदारी से मंत्री और उनके समर्थकों की जान बच सकी। वहीं इस दौरान मंत्री ने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और थाने की पुलिस का भी जान बचाने के लिए आभार प्रकट किया। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति के निधन पर सीएम ने जताया शोक। बुधवार देर रात बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति रहे प्रोफेसर अरुण कुमार का निधन हो गया। वो लगभग 90 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिस कारण उनका इलाज भी चल रहा था। इस क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संदेश में कहा कि प्रोफेसर कुमार एक कुशल राजनेता एवं प्रसिद्ध समाज सेवी थे। वो 5 जुलाई 1984 से 3 अक्टूबर 1986 तक बिहार विधान परिषद के सभापति रहे थे। इसके बाद वो 16 अप्रैल 2006 से 4 अगस्त 2009 तक विधान परिषद के कार्यकारी सभापति भी रहे। एसएम ने उनके निधन को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। लोजपा सांसद ने नीतीश कुमार पर किया जुबानी प्रहार। बिहार के सियासी महकमे में जदयू और लोजपा के बीच की तल्खी जग जाहिर रही है और अक्सर ही पार्टी के बड़े नेताओं में आपस में जुबानी जंग भी देखने को मिलती है। इसी क्रम में अब मुजफ्फरपुर में लोजपा सांसद वीणा देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया है। इसके तहत अपने बयान में उन्होंने सूबे में लगी शराबबंदी कानून और बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सीएम नीतीश को घेरते हुए कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। हर जगह शराब की बरामदगी हो रही है, तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन सिलसिला रुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण शराबबंदी की बात कहीं नहीं दिख रही है। सरकार या तो कानून पर विचार करे या उसे पूरी तरह से लागू करवाए। वहीं अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार को विफल बताते हुए वीणा देवी ने कहा कि मधुबनी कांड कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। जिस सुशासन और स्वच्छ सरकार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, वो नहीं दिख रहा है। ऐसे में जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। विराट कोहली को लगी फटकार। आईपीएल के 14वें सीजन में अपने शुरुआती दोनों मैच में भले ही आरसीबी ने मैच में जीत दर्ज की हो, मगर टीम के कप्तान विराट कोहली को जीत मिलने के बाद ही कल के मैच में कड़ी फटकार लगी है। दरअसल उन्हें आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर फटकार लगाई गई है। दरअसल विराट कोहली जब सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में 29 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए, तब उन्होंने मैदान के बाहर निकलते हुए गुस्से में डगआउट में रखी कुर्सी पर बल्ला दे मारा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत ही वायरल हो गई थी, जिसके बाद मैच रेफरी वी नारायण कट्टी ने आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने पर विराट कोहली को कड़ी फटकार लगाई।
देश में हुआ कोरोना विस्फोट। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जिसके तहत मामला अब 2 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन देश भर में 2,739 नए कोरोना मामले आए। इस दौरान 1,038 लोगों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 93,528 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 1,84,372 नए मामले आए थे। बताते चले कि पिछले 2 अक्टूबर के बाद से लेकर के अब तक में बीते दिन में देश में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 1,40,74,564 संक्रमित हो गए हैं। इस वायरस को मात देकर अब तक 1,24,29,564 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अभी तक 1,73,123 मरीजों की जान गंवानी पड़ी है। देश में फिलहाल 14,71,877 लोगों का इलाज चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आईपीएल के आज शाम राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले मैच में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।